कैसे हो? अनिम ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? जैसे कि आप लोगों को कल वाला ब्लॉग मिल ही गया होगा, मैंने कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए वीडियो बनाया था। तो क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? जलने वालों, बहुत आनंद आ रहा है हमें आप लोगों की जलन, जो जलन फील कर रहे हो ना आप लोग, और जो खून जल रहा है ना आप लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में मेरा बढ़ रहा है, देखेंगे, मेरा वेट भी बढ़ रहा है और खून भी, देखते हैं, चेक कराएंगे एक दिन कितना बढ़ गया है कितना बढ़ गया है। तो जलते रहो, बहुत अच्छा लगता है मुझे किसी को जलाने में, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर तुम्हारा मन ही है जलने का तो जल सकते हैं आप लोग, जिसको जलना है जल सकता है। मेरे लिए मुझे जो नीचे दिखाने की कोशिश करता है ना, तो खुद नीचे देखता है एक दिन और देखेगा गा गा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर कोई मेरे लिए बुरा सोचता है उसके साथ हो रहा है बुरा। चलो छोड़ो, शुरुआत में मैंने तो इतनी बात कही दी है, समझने वाले के लिए सारा ही बहुत होता है। और जो करते हैं ना इधर उधर बुराई, तो समझ में आ ही जाता है कि ये हमारे लिए बात थी। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरा मैंने कहा था पिछले ब्लॉग में कि मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे इधर उधर बुराई करने से, और मुझे सुकून मिलता है। जो तुम्हारे साथ एक दिन के लिए रहते ना, मेरे साथ जिंदगी भर के लिए शायद हैं। जिससे तुम बुराई करते हो ना, वो मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा। तुम ये ना समझना कि हमने उनसे कह दिया या हमने उनसे कह दिया तो वो हमें बताएंगे नहीं, ठीक है? चलो छोड़ो। खैर फ्रेंड्स, और आप लोग बताइए कैसे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जलने वालों, मैंने ये बनवा लिया है मैंने मोर का पंख बनवाया है फ्रेंड्स। क्यों बनवाया है, इसका भी रीजन है कि मेरे यहाँ पे चोट लगी थी फ्रेंड, लंबी लंबी लाइन थी तो बहुत ख़राब लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड जी ने कहा मुझसे कि मैडम ये बनवा लीजिए तो मैंने उनके लिए बनवाया है ये, ठीक है? बाकी जिनके जिनके मर्द कहाँ हैं उन्हें बनवाओ जाके, तुम्हारे मर्द इजाज़त नहीं देंगे ना। मेरा मर्द इजाज़त देता है मुझे, वो हमेशा देता रहेगा। हस्बैंड जी, ओ हस्बैंड जी, आओ आ जाओ, बोलो आके। अरे भैया, तो फ्रेंड मेरे बच्चे के लिए साइकिल सुधारना था ना, जो गए थे एक बार डालने 5-7 किलोमीटर, कल्याणपुर पड़ता है, वहाँ पर गए थे, कल्याणपुर में मतलब गए थे, कानपुर में एक कल्याणपुर पड़ता है, तो वहाँ डालने गए, वहीं से फ्रेंड उस बच्चे के लिए अप्रैल में साइकिल खरीदी गई थी। मैंने पैसे कैसे ठक्के किए हैं वो हम ही जानते हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए एक साइकिल खरीदी थी, कुछ पैसे उधार भी मैंने किए थे फ्रेंड, तो मैंने उस बाद में भिजवाए थे, तो उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी फ्रेंड। तो मेरे हस्बैंड जी कल डाल के आए थे, आज उठाने गए थे, तो क्या हुआ कि वहाँ से साइकिल, ये कभी मतलब चलाते चलाते हैं नहीं इतना लंबा सफ़र, तो ये चलाते रहे तो ये गए थक, तो इनका बोल नहीं निकल रहा है। तो फ्रेंड मेरे यहाँ चल रहा है मेला, आ जाओ। हमने आप लोगों से पिछली बार भी बोला था कि मेला चल रहा है, आप लोग आ जाइए, ठीक है? जिसको देखना है आगे देख लीजिए आके, ओके? सभी फ्रेंड से आ जाना देखने के लिए। तो फ्रेंड आज हम थक गए हैं, सारा दिन लेटे नहीं फ्रेंड्स, थकान हो गई बहुत ज़्यादा। आज पी लेते हैं थोड़ा पानी। लेट जाए थोड़ा, देखो ये बैठे हैं, देखो
ऐसे बैठे हैं कि भाई कह रहे थक गए हैं। ठीक है भैया, आराम कर बैठ लो कुछ देर। तो फ्रेंड आज पूरा दिन काम थोड़ा रहा है मेरे घर में, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं बन पाया था पूरा। पूरा क्या मतलब, आज शुरुआत सुबह से ही बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, थोड़ा काम था इसीलिए। तो अब हमने कहा ला, तो मेरा बोलने का मन फ्रेंड बिल्कुल नहीं था। फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि कुछ ही जलने वाले मेरा इंतज़ार करेंगे ब्लॉग का, तो बनाना पड़ेगा यार, तो इसीलिए मैंने बनाया फिर। जो सैया तो करे राते। तो फ्रेंडो क्या आप मेरे साथ हैं? हम आप लोगों से कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं क्या मेरे साथ हैं, प्लीज़ बताना कमेंट में, क्योंकि हम टूटने वाले हैं नहीं बिल्कुल भी। जितना मुझे टूटना था हम टूट चुके हैं, अब हम नहीं टूटेंगे बिल्कुल भी। अगर मौका पड़ा तो हम आप लोगों की अपनी जीवनी है ना, जीवनी, जीवन की कहानी, संघर्ष भरी, खुशियों के पल, कभी खुशी कभी गम, सब बताएंगे बहुत जल्द। अपनी हम जीवनी शुरू करने वाले हैं आप लोगों से, जीवन की सब बातें, इतनी उम्र तक मेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, क्या थे मैं आज क्या हूँ, आगे क्या होने वाला है मेरे साथ, मतलब मेरी ज़िंदगी में आगे तो कोई देख नहीं आया फ्रेंड, ये बात तो हम बोल रहे हैं, आगे कौन देख आया है। लेकिन हाँ, अब तक बीता समय वो तो हम बता सकते हैं ना आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरे साथ कौन कौन है प्लीज़ कमेंट में बताया करें, और फिर हम बताएंगे आप लोगों से हर एक पल। शुरुआत फ्रेंड्स करेंगे अपनी, हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को भी सुनाएं, तो आप लोग भी तो पता चले कि भाभी जी कितने संघर्ष में रही हैं, कितनी खुशी में रही हैं, कितने दुख मिले हैं, कितने सुख मिले हैं, क्या हुआ क्या नहीं, यही सब। कौन मेरे पीछे पड़ा है, कौन मुझे नीचा दिखाना चाहता है, कौन मुझे घर से निकलवाना चाहता है, ये भी सब आप लोगों को बताएंगे हम। और कौन मेरी रोजी रोटी छीनना चाहता है, ये सब बातें आप लोगों से बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा ना, तो मेरी कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप लोग का ही साथ मुझे चाहिए। अगर आप लोगों का साथ है तो मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है, रोजी रोटी छीनने की बहुत बड़ी बात है, दूर की बात है मतलब, ठीक है। तो अब मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे YouTube फैमिली का मुझे सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और हस्बैंड जी का आज मूड नहीं है बिल्कुल भी बनाने का, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में वो आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। खुश है ना वो आप लोगों को देख, आप मेरी YouTube पे इतनी फैमिली हो गई है, बस मैं उन्हीं देख देख के खुश हूँ, और बाकी किसी को नहीं, ठीक है, बाय।